कोरोना संक्रमण महामारी के चलते देश में लॉकडाउन जारी है, जिस कारण प्रत्येक व्यक्ति के साथ ही किसानों को भी भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। इसी बीच शामली में तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश से किसानों की गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि उनके खेतों में खड़ी व कटी हुई फसल में पानी घुस गया, जिस कारण गेहूं का दाना काला पड़ सकता है। गेहूं का दाना काला पड़ने के कारण मंडी में भी गेहूं का दाम सही नहीं मिल पाएगा। अचानक हुई बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों ने सरकार से गेहूं की फसल के मुआवजे की मांग की है। जो ये आज बारिश हुई है बेमौसम, इससे जो है किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। पहले भी नुकसान हुआ बारिश के, अब की बार ज़्यादा हुई बेमौसम हुई। पहले ही कम से कम 60% नुकसान था और आज वाली बारिश में तो गेहूँ का कम से कम 80% नुकसान कर दिया किसानों का। किसान बहुत घाटे में चला गया और कर्जे में चला गया। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, किसानों को जो है मुआवजा मिलना चाहिए बिना मुआवजे के, और किसानों का जो है बिजली भी माफ़ करना चाहिए और किसानों का जो है कर्जा भी माफ़ करना चाहिए। यानी किसान तो बिल्कुल बहुत नुकसान में चले गया।